हम ना रो रहा और ना हम हंस रहा, ऐसी हालत है हमारी कि हम ना रो पा रहे और ना हंस पा रहा, इतनी बुरी हालत है। अभी की आप बात करा तो रियल में खुद ने भी तो अफसोस हुआ है, तो जी है वो दुखी हुआ है कि जठे जच्चा सोरी है, बिकॉज जस्ट पास में जो यह दीवार है, इस दीवार की एक बार हालत तो देख लो। बल्कि जिनका पानी नहीं भरा था उनका तो ये पहुंचा भी दिया। हाँ। की करोगे अपने अपने हिसाब से करके रहे हैं वे। ये माटी का ये कट्टा लगा लगा कर नहीं है, देखो मकाना को क्या हाल है। हैं ये तो माटी का कट्टा, माटी का कट्टा था, ये अंतर डाट रखो से, ये देखो उनके हाल से। हर चीज से गुस्सा हूँ नहीं बोल सकता, इस गांव की हालत देखी नहीं जाती है। मान लो आप राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचे हाँ बुहाना तहसील के अंदर सोहली गांव आवा, याद हुआ तो डेढ़ दो महीना पहले की बात है कि सोहली गांव में पहले भी जब बाढ़ आई ही और अठे बहुत तेज बारिश आई ही और जद भी कमू कम इजा पचासा घर ही बाको सब कुछ बर्बाद हो गो हो और माटी अड़े की चीखनी आगन भी जाए तो कोई मुन आपको तुड़वा के और आगन अठिन देखा तो यो पूरा रास्ता है स्कूल का सामना की रास्ता और यो रास्ता बिल्कुल बंद है। अभी आप अठे की सिचुएशन की बात करा तो बिल्कुल जो घर है घर के अंदर अतो पानी आ चुके है कि माटी है भाभी जो आपने गोडा तक की माटी है उसका है और ये गाड़ी के अंदर देख सको कि जो कुछ फर्नीचर बच्चों है बिन अठे लोड कर लियो है। यही फर्नीचर की आप हालत बता तो जो ऊपर पलाई तो है या पलाई भी ऊपर मतलब फूल रही है पानी की वजह। घर के जो अंदर है या सारू सामान बाहर निकल सारे निकल गए बठिंडे जो आज बाद में या दूसरा घड़ी रोटी खा। और पिछली बार भी शायद मेरे ये याद है कि मैं अठे आई और भी टाइम पर भी थारा की सब सारा खत्म होगा जो तोड़ी ये 5-7 मिनट तोड़ी लिखवा देख लियो सारी बीजेपी पशु से दूसरा घर बन गया से काट रखा सारा। अंकल जी थे के काम धंधो आज कुछ नहीं काम करम घर ही ना हमरे खेती बाड़ी करा हूं। यह टंकी खुद अपना आप बह की बांध ने आई है और सामान की अब फर्नीचर की बात करा तो फर्नीचर भी बिल्कुल खराब हो चुके है। कपड़ा से सारा बेड पड़ा से सारा थारा सामने पड़ा से द्वार को पर सूख रहा है ये लत्ता कपड़ा सब जूते का बस सब खत्म होगा। हर चीज से गुस्सा हूँ नहीं बोल सकता, इस गांव की हालत देखी नहीं जाती है मान लो आप, और न अब तक कुछ हो पाया है और नहीं होगा नहीं उम्मीद है। हमें अपने तरीके से जीना है, हम अपने तरीके से जिएंगे। ये रोड रास्ते ऑफिस सब कुछ बंद होगा इससे आगे कम से कम गांव अगर ये तो थालो तरीकों की ऐसे जो होगा तो नहीं नहीं अपने तरीके से हम जिएंगे किसी भी तरह जिएंगे, डूब के मर जाएंगे और क्या होगा। इससे आगे तो कुछ है भी नहीं, कोई भी आके नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, न पिछली बार कुछ हो पाया न अब की बार कुछ हुआ है। नेता आ जाते हैं अधिकारी आ जाते हैं आकर के अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं, उसके बाद में उनके ऑफिस में जाओ तो सीधे मुंह बात भी नहीं करेंगे न नेता मिलेंगे टाइम पे। बिल्कुल गए हैं जी, कैसे नहीं गए हैं, कलेक्टर साहब खुद आकर के आए हैं, SDM साहब आए हैं, तहसीलदार साहब आए हैं, BDO साहब आए हैं, इससे आगे बताओ क्या रास्ता हमारे पास है। अब प्रधानमंत्री पास के तो हम भी नहीं जा सकते, अब प्रशासन को पता नहीं है क्या, प्रशासन को पता नहीं सोड़ी में क्या हाल हो रहे हैं। इससे बढ़िया तो मर जाना अच्छा है, वैसे भी डूब के मरेंगे, फांसी खा के मरेंगे, परेशान होकर मरेंगे, लिकड़ के मरेंगे, कहाँ तो मरेंगे जाके, पर प्रशासन नहीं आएगा। हालत हो गई इन घरों की, इन लोगों की। प्रेजेंट में विधायक जी पर कौन पहुंचे? बिल्कुल आए थे जी, बिल्कुल आए थे, प्रेजेंट के विधायक जी भी आए थे, पूर्व विधायक जी भी आए थे, कलेक्टर साहब भी आए थे, आए सब भी, लेकिन नतीजा क्या निकला उस चीज का, क्या मिला इन लोगों को आने के बाद में। जब से भूखे मर रहे हैं अब भी भूखे मर रहे हैं, आगे भी भूखे मरेंगे, लोग पानी में डूब के मरेंगे, कोई उपाय नहीं है, कोई ना कोई बचाने वाला है। अपने तरीके से अपने समाज से अगर ये कुछ कर सकते हैं तो अलग बात है, बाकी सरकार की तरफ से अधिकारियों की तरफ से कुछ भी नहीं मिला इनको, नहीं मिलने वाला है। तो फिर बाद में आगे जब सरकारी थारी मदद नहीं कर रही है तो थे वोटर नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बहिष्कार करेंगे, चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं चुनाव होने देंगे नहीं, या कोई सरकारी ऑफिस खुलने देंगे, सीधी सीधी बात है, हमें कुछ चाहिए भी नहीं। अब तो यही है कि जो प्रशासन कुछ नहीं कर रही जनता का, तो जनता क्यों करेगी प्रशासन का, ये बताओ। कोई भी MLA आएगा MP आएगा उसको हम इलेक्शन में क्यों देंगे वोट, मानते हो आप ये बात? तो अब प्रशासन है, देखो आप कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, ये घर बर्बाद हो रहे हैं, इसका क्या परिणाम हुआ, क्या कर देंगे वो, कोई नतीजा है कोई बताए भैया। राजस्थान का अगर स्टेट के ऊपर बॉर्डर का गांव है इसलिए हम मदद नहीं कर रहे, या और कोई बात है कोई बताए तब तो हो ना कुछ। सरकार ने मुखारियाना तो थोड़ी मिला हुआ, तो मिला तो राजस्थान थे, क्यों वोट हम राजस्थान में दिया? हाँ अरे भाई थोसो को मिला, मैं तो पहले दू कुछ बताओ, हम तो नहीं था, मारे बच्चा कितने भी वो बनो अदाकारी बनो चाहे कि बनो, हम तो वोट नहीं दिया कभी। इनका यह बात से मर के तो समाधान करो थोड़े गणो, और ना समाधान करो तो भूल की वोट कौन दिया? न्यू बताओ कि तो टू खाण ना चाह पानी पीवन ना रात ना पड़े ना जगह ना बता के करा के
प्रधान बढ़ जाएगा स्टेट बढ़ जाएगा इनका वोट लेने मार नहीं आओगे। ये इतनी परेशानी कर रखी है बेहद आज से बार हो रहा है कोई प्रशासन यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है क्या करे हम अगर हम इससे अच्छे मर जाए तो कहीं निकल कर चले जाओ वो भी तो बढ़िया है। वोट मांगना आवे जब क्या तरह जैसे बताओ जब दिन तो वही इतना भला भला बनकर सब आ जाएंगे हमने तो वोट ही वोट चाहिए हमने ही दियो हमने ही दियो बीजेपी वाला हो जी सरकार कांग्रेस वाला हो सब लोग मान ही वोट मानने ही दियो मानने ही दियो तुम भी कुछ करके जाओगे उरे उरे शाम से लेकर सुबह तक अभी तक घर में पानी भरे पड़े है पर अभी तो कोई नहीं है ना बीजेपी वाला ना सब कांग्रेस वाला आया और कोई भी नहीं आया कलेक्टर साहब भी आके चला गया बताओ पीछे हमारी तुम नुकसान हो तो कुछ भी एक रुपया भी दियो है कि अब तक बल्कि जिनका पानी नहीं भरा तो उनका तो पहुंचा भी दिया की करोगे अपने अपने हिसाब से करके रहे हैं वे तो जब कलेक्टर साहब आए तो कुछ देखे गया ना कुछ नहीं देखे गए कोई कुछ भी ना देखे गए अभी नहीं निकले अभी तो पड़ोसियों के यही है दो जोड़ी कपड़े जो लेके बाकी निकले के निकले आए थे ना बस वो पहन रहे हैं बस वो भी इसलिए कि अबकी बार थोड़ा टाइम मिला था कपड़े लेने का पिछली बार तो टाइम भी नहीं था और आपकी बार थोड़ा टाइम मिला था तो दो जोड़ी कपड़े लेके पड़ोसियों के रह रहे हैं और पानी कितने दिन में निकलेगा तीन दिन में निकलेगा तो इस पानी का सोल्यूशन नहीं है अबकी बार पानी तीसरी बार आया है काम चल रहा है जी हमारा तो एक दूसरे से मतलब गांव का ही लोग एक दूसरे की वही मदद है बाकी अभी तक वो पिछली बार का भी और इस बार भी किसी ने कोई भी हेल्प नहीं किया मेडिकल वाली टीम जरूर आई थी पिछली बार वो फॉगिंग वगैरह करके गई थी इस बार तो कुछ नहीं है ठीक है और प्रशासन हम तो बिल्कुल है ना वोटों में बिल्कुल बहिष्कार करेंगे के डांगरा निकालना कोई मजदूर लेके गए थे वो भी गए के नाम से भी के शायद अब भाई डेढ़ महीना पहले ही ना थारो काम जचाए और बोझू बोझी हो गो ये बोले लेके गए था टूड़ा तपड़े फिर मर दो सको सो हो गो नीट नीट जचाए थो वो फिर कोई कपड़ों खरीद के लाया था नाज खरीदे थो कोई डांगरा को तूड़ो खरीदे थो वो सब बेकार के गाला सब क्यों भाई को मार तो बता के कराई और मेरे तो आदमी तो बीमार रहा सर कमाई से हाथ को नहीं बता क्या को दिया के गाला आंटी कोई कोई को नहीं गांव में तो सो क्यों बस लपा लो हो रहे हां लपा लो भी हो रहे और के राम राम सारो गांव बाबा फूल नाथ पे इकट्ठा जियो साहब सभी बर्बाद आएगा सा पानी का मामला में सभी पहुंच गए सब यो बर्बादी को अनाउंसमेंट कर रहे होगे हां तो बर्बादी से जी मार तो पानी बड़े हर रोज दिना की गांव भेलो होगो जब के मैं सभी दान आगे जांगा जब के मैं बने को जी बुहाना में कुछ हड़ताल वगैरह पहले स्कूल को ये जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है सबको बंद करेंगे और ये स्कूल की तो आप बात करा तो पूरा जो रिकॉर्ड आज तक वो तो पूरा नष्ट हो गया बिल्कुल हो गया जी वो अब दोबारा वो कुछ किया था अभी टाइम पर मैं वीडियो बना के लेके गया अभी के बाद में कलेक्टर साहब भी आए प्रशासन भी आई तो बस कुछ करके गया बाद में कुछ नहीं किया उन्होंने मैं सुनियो कि थारा घर में जापो और भी ट्रैक्टर में लेके गया हां ट्रैक्टर में लेके गया से खाट पर सुआ की ना जी ट्रैक्टर में ट्रेली जोड़ के जिद ले गया सा ट्रोली के अंदर खाट ने पाछा ले गया सा जच्चा ने बांदर जच्चा सुती बा सुती और ट्रैक्टर लाए और फिर नारनोल लेके गए उधर भी रास्ते में पूरा दुलोट की साइड पानी भरा था मतलब ट्रैक्टर पर ही था ना सारा काम हाँ। क्यों सोचे कि हम झूठ बोल रहे हैं तो बच्चा देखो बिल्कुल ये तो हाँ। भाई अभी आपने भी उलगे अभी प्रशासन नहीं उलगे कि लोग झूठ बोल रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है पर मजबूरी है कि हम की तक जा भी नहीं सका ना की तक और सबसे बड़ी बात है कि कोई सुन ही नहीं रहे हो माने कुछ नहीं चाहिए हमसे ना पैसा चाहिए हमने ना मन से रोटी चाहिए ना दाना चाहिए कुछ नहीं चाहिए सिर्फ और सिर्फ जो ये पानी आ रहा है एक ही व्यवस्था करवाने की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बस इनसे अभी की आप बात करा तो ये घर की देख लो यहाँ का घर एक कोनी कमो कम तीसा चालीसा घर यहाँ का ही कि मकान है बाकी दीवार टूट की और अठिन तो दरवाजो निकल रही है वो तो पांच चार फुट को ही है बठिन देखो तो दस दस बीस बीस फुट को है और अठे की आप बात करा तो टाइल जड़ रही बढ़िया मकान बना रखे और इजा 10 फीट गड्ढे हो रहे कि आप नीचे जाऊंगा तो खुद अंदर चल जाऊंगी मैं जो स्कूल के आप वीडियो बनाए हो स्कूल के भी बाई हालत हो रही है पिछली बार रिकॉर्ड हो पूरे स्कूल को चले गए हो आप बात करा तो जो ये गोदाम है एक अंदर तूड़ो छन्नी डाल रखे और जो अभी घर थे देखे हो वीडियो के द्वारा बखा बुजुर्ग आदमी ही आंटी जी बा एक अंदर सो रहे ही खुद देख सको हो कि दो मच्छर खा लाग जा जना तो लोग कहें करे लाग जा अब देखो आगे सिचुएशन और कुछ लोग ही बत उठा पलायन करगा ये गांव ने ही 15 घर तो यहाँ कहीं बस छोड़ के चलगा और 15-20 घर और यहाँ कहीं कि बस छोड़ के जाने वाली सिचुएशन में ही कोई हरियाणा जा रहे हो है कोई पंजाब जा रहे हो है सोच लो कि राजस्थान ने छोड़ छोड़ के लोग ही बस दूसरा राज्य में जान लाग रहे हैं तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताओ और वीडियो है प्लीज़ इन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो रिक्वेस्ट करूँ क्योंकि ये गाँव की कुछ ना कुछ जो है लोग यहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो जय हिंद।
जय झुंझुनू।